तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना थंबनेल और टाइटल को देख के कि दिल्ली पुलिस में 8000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं 2021 और 22 में। जी हाँ, 8000 प्लस वैकेंसीज जो कि आज तक एक साल में कभी भी देखने को नहीं मिली हैं। तो ये जो 8000 आपकी प्लस वैकेंसी हैं, ये अलग अलग हिस्सों में बटी हुई हैं, ये अलग अलग पोस्ट के लिए आएंगी। तो आज उसी बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा और इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कि हमारी सबसे आने वाली वैकेंसी है वो है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल की। ये बहुत ही मच अवेटेड वैकेंसी रहती है। 2013 में ये लास्ट वैकेंसी आई थी, अब 2022 में आ रही है। तो 9 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है आपकी, और ये बहुत ही लोकप्रिय वैकेंसी होती है सबके बीच में, क्योंकि दिल्ली पुलिस की यही एकमात्र ऐसी जॉब है जिसमें आपको सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी देनी होती है और आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो इसमें इसके फॉर्म आपके जून में आएंगे, मई या जून में इसके फॉर्म आएंगे, सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा। मैं इसका जो कैलेंडर है एसएससी का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल की वैकेंसी में आपके 550 से 600 या 600 से प्लस भी वैकेंसी जा सकती हैं। ये आपकी 600 प्लस वैकेंसी तो आपकी मिनिस्टीरियल में हो गई, और इसके ही बाद अगले ही महीने इससे अगला फॉर्म आएगा दिल्ली पुलिस AWTPO का, वो वायरलेस ऑपरेटर की जॉब आएगी, वो भी 600 प्लस वैकेंसी आएंगी। अब ये जॉब कौन सी होती हैं, जो आप 100 नंबर पर डायल करते हैं, जो आपके जो फ़ोन रिसीव करते हैं वो हेडक्वार्टर में बैठे हुए ये वायरलेस ऑपरेटर पिक करते हैं, फिर वो आपका कॉल ट्रांसफ़र करते हैं आपके एरिया के थाने में, तो उनमें आपकी नौकरी लगेगी इससे। पर इसमें सिर्फ आपको जो इसके जिनके पास 12th में साइंस होगी वही अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिस्ट्रियल बारे में किसी भी स्ट्रीम से आप कोई दिक्कत नहीं है। AWTPO में AWO में भी आपकी 600 प्लस वैकेंसी आएंगी, और इसके बाद आपकी वैकेंसी आएंगी दिल्ली पुलिस ड्राइवर की। ये भी लोग बच्चों के बीच ही बहुत मच अवेटेड वैकेंसी रहती है कि दिल्ली पुलिस में ड्राइवर लगेंगे। इसकी आपकी 800 से प्लस वैकेंसी आएगी। इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है आपको, जो ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा वो हैवी मोटर व्हीकल का लगेगा, लाइट मोटर का नहीं लगेगा। बस इसकी इस बात का ध्यान रखें, बाकी इसका पेपर ईजी आता है। और इसके बाद जो आएगी आपकी वो आएगी SSC के द्वारा ही दिल्ली पुलिस MTS की। MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ में, जो आपके दिल्ली पुलिस जो भी बच्चे हमारे ITI करते हैं, जो डिप्लोमा वगैरह करते हैं, ये उनके लिए वैकेंसीज होती हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक प्लम्बर टेलर वगैरह की वैकेंसीज आती हैं। ये भी आपकी 500-600 से प्लस ही वैकेंसी आएंगी। इसके बाद आपका SSC CPO के द्वारा दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी, जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, बाकी सबका 12th लेवल पे है, MTS का 10th लेवल पे होता है। SSC दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में आपकी 225 या 250 प्लस वैकेंसी अब की बार आने वाली हैं, जो कि पिछले साल या किसी भी साल नहीं आई। और ये क्यों आने वाली हैं, क्योंकि 2021 में CPO का नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो जहां तक है ये दोनों वैकेंसी कंबाइन करके 22 में दोनों की ही वैकेंसी देंगे। 250 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं दिल्ली पुलिस CPO के द्वारा सब इंस्पेक्टर में। और जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा वैकेंसी होती है बच्चों की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जो आपकी 2023 जनवरी में जिसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, आपके फॉर्म निकल जाएंगे, और मार्च अप्रैल में हो सकता है उसका पेपर भी हो जाए, उसमें आपके 5,500 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं, जिसके लिए पूरा देश तैयार हो जाता है। अब अगर आप किसी गाँव कस्बे से हैं तो मेरी बात रिलेट कर पाएंगे, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आते ही उस गाँव में हल्ला हो जाता है कि भाई दिल्ली पुलिस की भर्ती आ गई, भर दो। और उस गांव के वो बच्चे भी फॉर्म भर देते हैं जिन्होंने आज तक बुक उठा के नहीं देखी होती। भाई दिल्ली पुलिस का इतना क्रेज़ है पूरे इंडिया में कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आते ही पूरा गांव तैनात हो जाता है। गांव का हर एक बच्चा, कोई बताए या ना बताए, पर फॉर्म हर एक बच्चा भरता है, इसीलिए ही इसके फॉर्म 40-50 लाख के ऊपर चले जाते हैं। पर इतनी भीड़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन नहीं होता इनसे। कंपटीशन वही 50,000 1 लाख बच्चों से कंपटीशन होता है, क्योंकि वही मेनली तैयारी कर रहे होते हैं लग के। ये भीड़ से मत डरो, ये जो इतने फॉर्म आते हैं 40 लाख 50 लाख, इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी वैकेंसीज दिल्ली पुलिस में 8000 प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं 21 और 22 में, दोनों के मिला के, सॉरी 22-23 मिला के। तो यार 8000 में से एक भर्ती तो हम ले ही सकते हैं, 550 या 600 में से चलो माना मुश्किल है, पर जब 8000 पोस्ट हैं उसमें से एक पोस्ट तो हम ले ही सकते हैं किसी भी चीज़ की, जिस भी चीज़ के लिए हम एलिजिबल हैं। ज़्यादा कोई चीज़ बड़ी डिमांड तो नहीं कर रहे हम, 8000 में से एक पोस्ट चाहिए, उसके लिए अभी से मेहनत चालू कर दो भाई। अगर आप कांस्टेबल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो अभी पूरा एक साल पढ़ा है आपके पास, ज़रूरी नहीं है दिन में 8 घंटे पढ़ो, 9 घंटे पढ़ो, दिन के 3-4 घंटे निकाल लो, क्वालिटी के निकाल लो, आपका एक साल में 3 से 4 बार कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और कोई माई का लाल आपको भर्ती लेने से नहीं रोक सकता। तो भाइयों यही था इस वीडियो में, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।